प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए दर्शकों, हाथी भाई की आंखों में खून उतर आया है, चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन दिख रहा है और उसी के साथ माहौल में भी टेंशन फैल गया है। सभी दर्शक दंग हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये हाथ मुझे दे दे हाथूर। और ये क्या, पोपट लाने हाथी भाई को पछाड़ दिया? ये तो दुनिया के किसी आर्ट में अजूबे जैसी बात है, लेकिन हकीकत तो यही लग रही है। और इसी के साथ पोपट लाल हो गए हैं गोल्ड मेडल के विजेता। जीत गया मैं, जीत गया, अरे जीत गया मैं, पत्रकार पोपट लाल जीत गया। कहाँ वो रीटा रिपोर्टर, कहाँ है वो ब्रेकिंग न्यूज? बाहर निकल, बाहर निकाल। अरे दे मुझे, देखिए देखिए, गौर से देखिए मुझे, देखिए इस मासूम चेहरे को। मैं ही हूँ पत्रकार पोपटलाल पांडे फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, जिसने जिसने नींबू चम्मच रेस में चीटिंग की थी, चीटिंग। लेकिन आज गोकुलधाम सोसाइटी में सबके सामने दिन दहाड़े, मेरा मतलब है रात दहाड़े, पंजा लड़ाने की रेस में डॉक्टर हाथी को हराकर मैंने एक नया इतिहास लिखा है, एक नई मिसाल कायम की है और देश के उन तमाम दुबले पतले लोगों का नाम रोशन किया है जिनका लोग आज तक मजाक उड़ाते आए हैं। देखिए 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 मुझे, देखिए इस मासूम चेहरे को। मैं ही हूं पत्रकार पोपटलाल पांडे। पकड़ इसे। अरे जीत गया, जीत गया। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, ताली बजाइए। मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया मैं। पप्पू वेरी बढ़िया। एक मिनट पोपटलाल, पहले ये बताओ तुमने इस पंजा लड़ाने में कोई नींबू चम्मच की रेस की तरह चीटिंग तो नहीं की है ना? पप्पू, अरे इसमें क्या चीटिंग मेहता साहब, मैंने क्या अपने और हाथी भाई का हाथ गम से चिपका दिया क्या आप भी? अरे भाई तो फिर जीते कैसे? तकनीक। नेता साहब, इस पंजा लड़ाने के खेल में ताकत के साथ तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, समझिए, यह है मेरा हाथ, यह है हाथी भाई का हाथ। खेल शुरू होते ही मैंने हाथी भाई की कलाई को मोड़ दिया ऐसे, फिर क्या है, खेल खत्म। हर भला पहलवान भी नहीं जीत सकता। हम क्या करते हैं ना, अक्सर पूरे हाथ पर जोर देते हैं, जो कुछ करना होता है वो यही करना होता है। अब पप्पू, पर ये दोनों हाथ तो तेरे हैं। मैं आपको समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। अब आइए हाथी भाई। हाँ। लाइए अपना हाथ दीजिए। यह है हाथी भाई का हाथ और यह है मेरा हाथ। हम दोनों ने इस तरह से पंजे को लड़ा है और फिर जीत गए।
अबे ये तो डेमोन्स्ट्रेशन था, असल में तो मैं ही जीता हूँ। अरे भाई पोपटलाल तू ही जीता है, तूने जो अभी करके दिखाया ना वो ही तो मैंने किया, सही बात है कि नहीं? अरे रीटा खड़ी क्या हो, अभी विनर्स के नाम अनाउंस करो। गोकुलधाम खेल महोत्सव में पंजा लड़ाने के गेम में बच्चों में जीते हैं गोली, औरतों में जीती है कोमल भाभी, और बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मर्दों में जीते हैं पत्रकार पोपट लाल। भाई गोली नीचे उतर, मैं फर्स्ट आया हूँ। तो अंकल मैं भी तो फर्स्ट आया हूँ बच्चों में। हाँ। मैं बड़ों में फर्स्ट आया हूँ, मैं बड़ा फर्स्ट। अरे गोली तुम भी क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? देखो बेटे पोपटलाल अंकल लाइफ में फर्स्ट टाइम फर्स्ट आए हैं। सही बात है। और तो मम्मी मैं भी तो फर्स्ट आया हूँ, मैंने भी तो मेहनत की है। बट गोली बेटे तुम्हें आगे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और मुझे पूरा विश्वास है तुम हमेशा फर्स्ट आओगे। सॉरी सॉरी अंकल, आइए 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 अंकल। आपको नहीं चढ़ना, मैं चढ़ूं? अरे अरे रुको रुको रुको। चलिए भाई विधि शुरू कीजिए जल्दी से। कोमल जी धन्यवाद धन्यवाद। आइए पोपटलाल जी। नथु काका इसको पहनाइए, मैं फर्स्ट आया हूँ। और तुम्हें आहा गोली 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 गोली। पोपटलाल जी क्या बात है। तो दोस्तों आपने देखा कि आज के गेम में कैसे कमाल हो गया। तो इसी के साथ आज के खेल समाप्त होते हैं, तो मिलते हैं कल रात नए खेलों के साथ। शुभ रात्रि। हाँ हाँ अरे हाँ बहुत, कल के खेल में तो मजा गया। हाँ हाँ सुंदर वीरा ने और टप्पू सेना ने बहुत बढ़िया आयोजन किया। क्या पदक भी अच्छा खेले। कुछ नहीं मैं खोल रखती हूँ। टप्पू के पापा उठिए उठिए। सोने दे दे। अरे क्या सोने दे बापू जी। आ जाएंगे तो बैठेंगे ना? आए तो नहीं ना? नहीं। और अभी आएंगे भी नहीं। क्यों? उनका भी बदन दर्द कर रहा होगा, मस्त सो रहे होंगे वो। आपका बदन दर्द कर रहा है? मैंने बोला मेरा बदन दर्द कर रहा है। नहीं अभी आपने बोला ना उनका भी, तो भी का मतलब? मैं भी बोला ही नहीं हूँ, मैंने बोला उनका बदन दर्द कर रहा होगा, वो अभी मस्त सो रहे होंगे। तो फिर मुझे क्यों भी सुनाई दिया? मैंने बोला ना मैं भी बोला ही नहीं हूँ। तो कौन बोला? क्या भी? तो कभी अभी बोले ना भी। सॉरी सॉरी शायद मेरा भी मुझे ही सुनाई दिया होगा। मेरा अरे ये क्या माय डियर जीजा जी अभी तक सो रहे? बेना उठाओ उठाओ बेना उठाओ। अरे वीरा मैं कब से उठा रही हूँ और उठ ही नहीं रहे हैं। लगता है उनका बदन दर्द कर रहा है। मेरा बदन दर्द नहीं कर रहा है,
तो फिर आप सो क्यों रहे थे? माय डियर जीजाजी, जिस खिलाड़ी को बदन दर्द होता है उसे ही बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। आप भले कबूल ना करो, आपको बदन दर्द हो रहा है। देखो, बदन मेरा दर्द नहीं कर रहा है, ये देखो। बस हटो, नहाने जा रहा हूँ। हाथ दे, हाथ दे। बना माही दी, जीजाजी को बाथरूम में से निकलने में कितना टाइम लगता है? थोड़ा टाइम तो लगता है, क्यों? वो बापूजी वहाँ जल्दी उठ गए तो मुझे भी उनके साथ उठना पड़ा, और बदन दर्द कर रहा है बेना, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर इधर सो जाऊँ। हाँ भैया, तू सो जा और तुम्हारे जीजा जी का आने का टाइम होगा ना, तो मैं उठा दूँगा। थैंक यू बेना, कितनी अच्छी हो तुम। थैंक यू बेना। चल बाजू सोने दे। अभी किसका बदन दर्द कर रहा है? मेरा बदन दर्द नहीं कर रहा है, मैं तो योगासन कर रहा हूँ। शवासन? ए शवासन बहु, मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे बहू जी। बापू जी। हाँ बहू, आज थोड़ा सुस्ती जैसा लग रहा है, तो एक कड़क चाय बना देना। ठीक है। बेटा उठ गया? हाँ। बापू जी, बड़ी मुश्किल से उन्हें जगा है, अभी नहाने गए। बोलो बापू जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बापू जी, कल जी के में आप एकदम शानदार खेले थे, आपके जितनी एनर्जी किसी में नहीं थी। तेरे पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं बापू जी, वो कल जरा अचानक से खेल लिया तो थोड़ा पैर जाम हो गया है। थोड़ी देर गर्म पानी में पैर रख देना, ठीक हो जाएगा। काय दुखते तेरे देवा पाए। सेना, नटू काका और बाघा ने क्या गेम्स लाए थे चुन चुन के। आई। सर का जरा। अरे बैठो ना, इतनी जगह है माधवी। ओ, मुझे भी पानी में पैर रखने हैं, बहुत दर्द कर रहे हैं। माधवी, मेरे पैर ज्यादा दर्द कर रहे हैं, दो मिनट रुको जरा। कुछ भी कहो, मजा आ गया। हाँ। सुनो, उठ ली? नहीं, वो सो रही है अभी तक। तो जगाओ उसको। क्यों जगाओ, सोने दो ना उसे, वो भी बेचारी थक गई है। आराम करेगी तो रात को उत्साह और स्फूर्ति से खेलेगी। आज भी खेलना है? नहीं। हाँ, पता नहीं आज कौन से गेम होंगे। माधवी, मेरे ख्याल से। हाँ, आप ही के ख्याल से हम लोगों ने गेम की लिस्ट निकाली थी। बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, अरे कहते आर्चर वरुण कहते आर्चरी आर्चरी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन उसमें से एक भी गेम नहीं थी। शिक्षक की प्लानिंग बने। अभी ये टप्पू से ना, हम लोग जो सोचते उसे उल्टा ही सोचती है। इसीलिए सोचो ही मत कि कौन सी गेम खेलने वाले। करेक्ट है, अभी आज जो गेम्स होंगी ना, हम लोग वही खेलेंगे। ओए पापा जी, ओए पापा जी। रोशन, मैं क्या बोलता हूँ, अपने गोकुल धाम में ऐसा खेल महोत्सव रोज रोज होना चाहिए। क्यों? वो क्या है ना, हम लोग गेम्स खेलेंगे,
फिर ऐसे थक जाएंगे और ऐसे मिलजुल के एक दूसरे की सेवा करेंगे। पर आज रात को सभी गेम हम ही को जीतने। हाँ रोशन, और हम मिलजुल के ना आज खूब जी जान लगा देंगे। आज के गेम तो हम ही दोनों मिलकर जीतेंगे। वो हाथी भाई, आइए पोपटलाल भाई बैठिए। नहीं नहीं कोमल भाभी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे तो तुम ठीक ही हो, लेकिन बैठ जाओ। अरे भाई मैं नहीं बैठ सकता। क्यों? अरे भाई मेरे शरीर के एक भी जॉइंट फोल्ड नहीं हो रहा। तो दवाई दो। डॉक्टर साहब जल्दी से कोई दवाई दो, बदन बहुत दर्द कर रहा है। इतना सा खेला पूरा बदन इतना क्यों दर्द कर रहा है? देखिए अब्दुल भाई, हमारे शरीर को रोज उछलने कूदने भागने दौड़ने की आदत तो है नहीं, और फिर एक दिन में इतने घंटे खेलना, और खेलने के पहले खेलने की तैयारी करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइजेस करना, तो नेचुरली दर्द तो शरीर में हो गई। क्यों, सही बात है कि नहीं? अरे हाँ भाई सही बात है, मैं बोलने वाला था लेकिन फिर लगा कि आप बोलोगे इसलिए नहीं बोला। अच्छा किया। हाथी भाई दर्द का कारण तो पता चल गया, अब इलाज के लिए कोई दवा तो दो। हाँ भाई हाँ हाथी भाई प्लीज दे दो। एक मिनट, चारों को दवा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये भाई अब्दुल क्यों क्या, पहले ये बता कि यहाँ पर चौथा कौन है। हाँ क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे दर्द नहीं होता है, मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मैं थका हुआ नहीं हूँ। आप तो डॉक्टर है ना। बात बुड़बक, डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ, इंसान तो हूँ। दवाई तो वैसे भी नहीं मिलने वाली है। हाँ? भाई इंसान को थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना चाहिए, भले मैं डॉक्टर हूँ फिर भी मेरी यही सलाह है कि छोटी मोटी बीमारियां अगर बिना दवाइयों के ठीक हो जाए तो सेहत के लिए अच्छा होता है। कामा दवाइयों का गुलाम बनने की क्या जरूरत है? क्यों कोमल? या राइट हंस, क्या स्पा था ना जो मसाज किया, एकदम रिफ्रेश हो गए, फर्स्ट क्लास। हाँ तारक, एकदम से स्फूर्ति आ गई और हम दूसरे कड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। लेकिन तारक आज कौन से नए खेल होंगे? भाई कौन से नए खेल होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से पहले दिन के खेल हुए हैं ना, मुझे लगता है दूसरे दिन के खेल और ज्यादा एक्साइटिंग होंगे, ज्यादा मजा आएगा। तारक एक बात कहूँ, कुछ भी हो हमें कड़ी मेहनत करके 2-3 गेम में तो विनर बनना ही है। हाँ हाँ, और हो सकता है इसी बहाने हम गोकुल धाम खेल रत्न का अवार्ड जीत जाए। लेकिन तारक एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ ये गोकुल धाम खेल रत्न अवार्ड लेने के लिए पूरा गोकुल धाम डट के मुकाबला करेगा एक दूसरे का। ये तो जाहिर सी बात है, अरे भाई मुकाबला अगर कड़ा ना हो तो खेलने का क्या मजा। गेम मौसम में मजा आ गया ना। हाँ बहुत मजा आया। पर टप्पू तुझे लगता है कि आज खेल मौसम होगा? हे गोली तू तो नेगेटिव क्यों सोच रहा है? अरे टप्पू खेल मौसम नहीं होने के 4 कारण है मेरे पास। 4 कारण? पहला, हमारे मम्मी पापा थक गए हैं, क्या आज वो खेलने आएंगे? गोली तू उनकी चिंता मत कर, सबके घर पे अपना अपना इलाज चालू है। ओ, सब लोग एकदम जोश में खेलेंगे। हाँ। और गोली बाकी के 3 कारण बता। हाँ हाँ, दूसरा बारिश, तीसरा बारिश गिरी तो फ्लोर गीला हो जाएगा, चौथा बारिश की वजह से बिजली चली गई तो। लेकिन गोली आज के खेल हम क्लब हाउस में खेलने वाले। हाँ। हाँ। फिर बारिश का टेंशन क्यों ले रहा है? अरे हाँ यार, और आज की गेम स्पेशली हमारे मम्मी पापा के लिए ना, कितनी धमाल होगी ना। हाँ, हाँ यार बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये तो मैं भूल ही गया यार, सच में बहुत धमाल होगी। हाँ, और मम्मी पापा को ऐसे खेल खेलते देख कितना मजा आएगा, है ना? हाँ, हाँ। इसीलिए खेल महोत्सव तो जारी रहेगा, वो भी पूरे जोश के साथ। तो आज रात को मिलता है क्लब हाउस में। यस। yes!
गोकुल धाम खेल महोत्सव में अब हम वो खेल खेलेंगे जिसमें पत्नी अपने पति को साड़ी पहनाएगी और सजाएगी। मैं जानता हूँ इन दिनों चारों ओर बारिश का मजा उठा रहे हैं लोग। जिस तरह से चारों ओर बारिश का मौसम छाया हुआ है, ठीक वैसे ही जीकेएम गोकुलधाम खेल महोत्सव में खेलों का रंग छाया हुआ है। क्या शानदार खेल, जानदार खेल भाई। नटू काका और बाघा ने कमाल कर दिया। जो खेल इंट्रोड्यूस किए हैं वो इतने इंटरेस्टिंग, इतने फनी, इतने मजेदार है कि देश का हर आदमी उनका आनंद उठा रहा है उनकी पॉपुलरिटी देख के। ओलंपिक्स वाले भी शायद अगले ओलंपिक्स में इन खेलों को इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन अभी ये पिटारा पूरी तरह नहीं खुला है। अभी इस पिटार में बहुत सारे खेल बाकी है। एक उदाहरण मैं दे दूं, अगला एक खेल ऐसा होने वाला है जिसमें पत्नियां अपने अपने पति को साड़ी पहनाएंगी। मैं जानता हूं सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब सुनते ही मुस्कुराहट आ गई है तो देखेंगे तो क्या होगा, ठाके ही ठाके। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।